देखिए बहुत ध्यान से देखना है, लड़का घर के अंदर बैठा है ऐसा वाक्य एक एग्जाम में पूछोगे जो आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा। और पूछेगा ऑप्शन आपके क्या सामने होंगे, वही होंगे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर? देखो एक मिनट इधर देखो, सभी इधर देखो बहुत अच्छी तरीके से। अब मैंने क्या बताया अभी आपको कैसे देखना है, इधर देखो आप कैसे देखना है। मैंने अभी आपको बताया कि वाक्य में जब संबंध दर्शाया जाएगा ना तो आपको मालूम पड़ जानी चाहिए कि संबंध बोधक अव्यय है। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना है एक वाक्य को। देखिए लड़का घर के अंदर बैठा है, यहाँ अंदर जो है ना बहुत ध्यान से सुनिए, अंदर ये अव्यय शब्द है स्टूडेंट, अंदर बाहर जैसा कि मैं अभी बताता भी आया हूं, अंदर अव्यय शब्द है। ध्यान से सुनिए, इधर देखना एक मिनट, अव्यय शब्द जो अंदर है लेकिन यहाँ संबंध किसका है, ध्यान से सुनना, लड़के का नहीं, घर के अंदर, घर का अंदर का संबंध जो है घर से, घर का संबंध अंदर से, समझ रहे हैं, यानी कि दो के बीच संबंध स्थापित हुआ किस अव्यय के द्वारा हुआ, मतलब सॉरी लड़का घर के अंदर बैठा है तो यहां अंदर क्या है, अव्यय शब्द है और किससे साथ संबंध है इस अव्यय का, घर के साथ। ठीक है, तो चूंकि घर के साथ संबंध है तो इसलिए अब हमें मालूम पड़ गया कि ये कौन सा अव्यय होगा, तो ये होगा आपका इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। क्लियर? अगर किसी वजह से, बहुत ध्यान से सुनना है कि अगर वो ऐसा ना कहकर सिर्फ इतना भी कई बार पुट कर देगा एग्जाम में कि वो ऐसा पूछ लेगा कि पूरा वाक्य देगा और पूछेगा बताइए कौन सा अव्यय, यानी कि वो संबंध वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, यानी कि सीधा पर, तो आपका आंसर होना चाहिए अंदर, इस वाक्य में अंदर जो शब्द है वो क्या है, वो अव्यय है। और वैसे आप देख ही रहे होंगे घर के अंदर, यानी कि अंदर अव्यय शब्द का संबंध किससे है, घर से है, इसी कारण इस पूरे वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, जो कि अच्छी तरीके से याद रखना। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।